पीएम मोदी आज तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन के अलावा 11,300 करोड़ रुपए परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में एयरपोर्ट के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। नए टर्मिनल को बनाने में 1,207 करोड़ की लागत आई है। नए टर्मिनल से प्रति घंटे 45 विमानों की आवाजाही को संभालने में सक्षम होगा। तमिलनाडु के कांग्रेस नेता मणिकंदन के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मणिकंदन ने राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा सुनाने वाले जज एच.एच. वर्मा की जीभ काटने की धमकी दी। अडानी की कंपनी ATGL ने CNG PNG की कीमतों में की कटौती। CNG प्रति किलो 8.13 रुपए और PNG 5.06 रुपए कम हुई। घटी कीमतें रात 12 बजे से लागू। UPCS 2022 का रिजल्ट घोषित। टॉप 10 में 8 लड़कियां शामिल। आगरा की विद्या सिकरवार ने किया टॉप। लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे दूसरे स्थान पर। बुलंदशहर की नम्रता तीसरे नंबर पर रही। 364 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की। कर्नाटक बीजेपी कोर ग्रुप की आज दिल्ली में बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह लेंगे मीटिंग। राज्य के मुख्यमंत्री बीआर बोम्बई और वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा पहुंचे दिल्ली। बीजेपी चुनाव समिति की 9 अप्रैल को बैठक। रविवार को होने वाले बैठक में पीएम मोदी भी होंगे शामिल। CEC की बैठक में पार्टी प्रत्याशियों का होगा ऐलान। कर्नाटक चुनाव समिति ने हर सीट से भेजे हैं 1 से 3 नाम। सिटिंग विधायक की कम से कम सीट काटे जाने की अटकलें। अडानी मुद्दे पर JPC जांच पर अड़ी कांग्रेस को NCP ने दिया झटका। NCP अध्यक्ष शरद पवार ने JPC को बताया गैर जरूरी। पवार ने कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही जांच से सच सामने आएगा। NCP प्रमुख के बयान पर कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा ये उनकी निजी राय हो सकती है। जयराम ने कहा कि JPC जांच के मुद्दे पर हमें 19 विपक्षी दलों का साथ मिल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे विपक्ष को एकजुट करने की जी जान कोशिश में जुटे हुए हैं। खड़गे ने इसके तहत उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु CM स्टालिन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के पहनावे पर दिया विवादित बयान। इंदौर में एक कार्यक्रम में विजयवर्गीय ने कहा गंदे कपड़े पहनकर निकली लड़कियां शोभनखा लगती हैं। कर्नाटक के पूर्व CM एस सिद्धरमैया अपनी परंपरागत वरुणा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। आगामी चुनाव के बाद सिद्धरमैया चुनावी राजनीति ले लेंगे संन्यास। कांग्रेस नेता ने 125 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा दावा। सुरजेवाला ने कहा कि बसवराज सरकार के कई मंत्री चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए। रेड्डी ने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि सोचा नहीं था कि कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी। AIMIM चीफ असदीन ओवैसी ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देश का पहला आतंकी बताया। ओवैसी ने कहा कि गांधी के हत्यारे की फोटो लेकर नाच रहे हैं जबकि लादेन का फोटो लेकर ऐसा करे तो पुलिस पर बुलडोजर चले। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव को झूठ बताया। गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कानून में मानवता का स्पर्श होना चाहिए। पटना में CM नीतीश कुमार ने शुक्रवार को इफ्तार पार्टी दी। इफ्तार में डिप्टी CM और RJD नेता तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के कई नेता पहुंचे। इफ्तार पार्टी के बाद CM नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई बातचीत की पुष्टि की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया था, सुबह आपसे बात हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नहीं बात की, हमारी 3 दिन पहले ही बात हुई, ऐसे ही उनसे बात हुई।
होते रहती है हमारी पार्टी। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को 2024 आम चुनाव की तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में बीजेपी का कोई नेता नहीं पहुंचा। संघ प्रमुख मोहन भागवत जयपुर में राष्ट्रीय सेवा संघ कॉन्क्लेव में हुए शामिल। जयपुर के जमदोली में हो रहा है कॉन्क्लेव। पंजाब सरकार ने 14 अप्रैल तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी की रद्द। खालिस्तान समर्थक फरार अमृतपाल सिंह के सरेंडर की अटकलों की खबरें। बैसाखी से पहले आत्मसमर्पण कर सकता है अमृतपाल। जम्मू कश्मीर के सीमांत इलाके में स्कूली बच्चों के लिए भारतीय सेना ने लगाई हथियारों की प्रदर्शनी। हमीरपुर सरकारी स्कूल में लगी प्रदर्शनी में छात्रों को सेना के इस्तेमाल किए जाने वाले अत्याधुनिक हथियारों के बारे में बताया गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शेयर की राम जन्मभूमि की नई तस्वीरें। चंपत राय के मुताबिक मंदिर अब आकार लेने लगा है। फोटो में पत्थरों में की गई नक्काशी को दिखाया गया है। गर्भगृह का कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है। जनवरी 2024 तक मंदिर के पूरा होने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल के नदिया के हंसखाली में टीएमसी नेता के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। मारे गए नेता आमोद अली विश्वास रामनगर बड़ा चौपरिया के टीएमसी अध्यक्ष थे। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने वॉल्वो बसों से हो रही शराब तस्करी का पर्दाफाश कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा से बिहार भेजी जा रही थी 50 लाख की शराब भी जब्त। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर जोर शोर से तैयारी। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारी तेज। हनुमान चट्टी के पास पहाड़ से गिरे मलबों को हटाया जा रहा। यूपी के गोरखपुर स्टेशन पर टीटीई ने सहयोगियों के साथ मिलकर की यात्री की पिटाई। जनरल का टिकट लेकर एसी में बैठे शख्स की टिकट बनाने को लेकर हुई थी बहस। पुलिस ने टीटीई की शिकायत उल्टे यात्री पर ही केस दर्ज कर दिया। आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में गिरफ्तार सिंगर समर सिंह की आज वाराणसी कोर्ट में पेशी। पुलिस ने शुक्रवार को गाजियाबाद से किया था गिरफ्तार। गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के बाद समर सिंह की ट्रांजिट रिमांड मंजूर। पुलिस समर सिंह के अलावा दूसरे आरोपी संजय सिंह की भी तलाश कर रही है। भोजपुरी सिंगर समर सिंह पर अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। कोर्ट ने गायक समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। आकांक्षा दुबे की मां ने सीएम योगी का धन्यवाद किया और समर सिंह को सख्त से सख्त सजा की मांग करते हुए दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी की भी मांग रखी। मुंबई के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री असलम शेख द्वारा बनाए गए स्टूडियो पर कार्यवाही शुरू। बुलडोजर से तोड़ा गया अवैध स्टूडियो। इन स्टूडियो में कई फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग हो चुकी है। एनजीटी के आदेश के बाद स्टूडियो को तोड़ने की शुरुआत हुई। एमपी के बुरहानपुर में नेपा नगर थाने पर देर रात अतिक्रमणकारियों का हमला। 3 पुलिसकर्मी हुए जख्मी। थाने से बंदूकें लूटने वालों को भी छुड़ा ले गए अतिक्रमणकारी। एक दिन पहले ही गिरफ्तार हुए थे आरोपी। दिल्ली के नांगलोई इलाके में 4 अप्रैल को हुई दिन दहाड़े लूट का खुलासा। 3 आरोपी अरेस्ट। मुंडका इलाके से पुलिस ने किया गिरफ्तार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना पर की हाई लेवल मीटिंग। कहा डरने की नहीं लेकिन सतर्क रहने की जरूरत। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक में निर्देश। अस्पतालों में तैयारियों को लेकर 10 से 11 अप्रैल को करें देशव्यापी मॉक ड्रिल। देश में शुक्रवार को 6050 कोरोना संक्रमित मिले। बीते दिनों मिले केसों से करीब 13% ज्यादा है यह आंकड़ा। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 733 ज्यादा नए मामले। हालांकि कोरोना से किसी मौत की खबर नहीं। महाराष्ट्र में भी शुक्रवार को आए 926 नए केस जबकि 3 मरीजों की हुई मौत। कोरोना संक्रमण दर 98.12% हो गई है।
बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए कई जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया। सिक्किम सरकार ने मास्क को लेकर निर्देश जारी किया। सिक्किम के लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए कहा गया है। हरियाणा सरकार ने भी लोगों को सतर्क रहने को कहा। हरियाणा सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि जहां भी 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ हो वहां मास्क पहनकर ही जाएं। उत्तर प्रदेश में फ्रंटलाइन वर्कर्स को मास्क पहनने को कहा गया। सीएम योगी ने सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में मास्क पहनने के निर्देश दिए। जेएलसी मनीष सिसोदिया ने उठाया पीएम मोदी की डिग्री का मुद्दा। देश के नाम चिट्ठी लिखकर मनीष सिसोदिया ने कहा, प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बेहद खतरनाक। मनीष सिसोदिया ने लिखा, मोदी जी विज्ञान की बातें नहीं समझते, मोदी जी शिक्षा का महत्व नहीं समझते। पिछले कुछ वर्षों में 60,000 स्कूल बंद किए। भारत की तरक्की के लिए पढ़ा लिखा पीएम होना बेहद जरूरी। यूपी के कौशाम्बी और आजमगढ़ दौरे पर अमित शाह, 4,567 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की अमित शाह ने दी सौगात। अमित शाह के साथ सीएम योगी भी रहे मौजूद। अमित शाह ने कौशाम्बी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय की भी रखी आधारशिला। 2024 चुनावों को देखते हुए अमित शाह के आजमगढ़ दौरे को अहम माना जा रहा है। आजमगढ़ को करोड़ों की सौगात उन्होंने दी। एसएससी पेपर लीक मामले में जमानत मिलने के बाद तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार जेल से रिहा। कल रात शर्तों के साथ मिली थी जमानत। जेल से छूटने के बाद कुलदेवता के मंदिर पहुंचे बंदी संजय। बंदी संजय ने कुलदेवता की प्रार्थना की। इस दौरान भारी संख्या में बंदी के समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हुए। रेड्डी ने कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस को अलविदा कहा था। अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर निकले नवजोत सिंह सिद्धू एक्शन में। सिद्धू ने मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश से मुलाकात की। कल राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने भरी हुंकार। कहा, आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, मुझे डरा सकते हैं, मेरे सभी वित्तीय खातों को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन पंजाब के लिए मैं ना झुकूंगा और ना ही पीछे हटूंगा। नोएडा में सनसनीखेज वारदात। पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी की हत्या की। शव को बोरी में भरकर यमुना नदी में फेंका। पुलिस और एसडीआरएफ ने 3 दिनों के बाद महिला के शव को यमुना से बरामद किया। आरोपी पति गिरफ्तार। हत्या के समय इस्तेमाल की गई बाइक भी पुलिस ने जब्त की। गोपालगंज में जेल में एक कैदी का हैरतअंगेज कारनामा सामने आया है। जेल में बंद कैदी ने इंजेक्शन वाली शीशी को निगलकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने कैदी को अस्पताल में कराया भर्ती। कैदी के परिजनों का आरोप, पुलिस ने उसे झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया, जिससे आहत होकर उसने जान देने की कोशिश की। 6 दिन बाद घूमकर कूनो लौटा चीता उबान। शिवपुरी जिले के जंगल से नेशनल पार्क की टीम ने किया रेस्क्यू और वापस कूनो लेकर आई। उबान के ग्रामीण इलाकों में बार बार नजर आने के चलते ग्रामीणों में काफी दहशत थी। उबान के रेस्क्यू के बाद ग्रामीण और वन अधिकारियों ने राहत की सांस ली। अशोक विहार में एमसीडी के बंद स्कूल में नाबालिग से रेप और लूटपाट का आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से आरोपी तक पहुंची पुलिस। पीड़ित परिजनों के मुताबिक आरोपी ने नाबालिग से रेप की और उसका वीडियो बनाकर मौके से फरार हो गया। राजौरी में बस अड्डे पर वाहन के ऊपर चढ़कर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। राजौरी पुलिस ने तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। असम पुलिस ने मोरीगांव में 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 386 एटीएम कार्ड और कैश बरामद। मध्य प्रदेश के राजौद ग्राम में बच्चा चोरी के शक में फकीर को लोगों ने पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह फकीरों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। खरगोन बड़वानी मनावर गदवानी से कुछ फकीर
भिक्षा मांग रहे थे, तभी राजौर ग्राम के लोगों ने बच्चा चोर समझकर उनकी पिटाई शुरू कर दी। नोएडा में क्रिकेट खेलने के दौरान निर्माणाधीन नाले में गिरने से 7 साल के बच्चे की हुई मौत। निर्माण के दौरान नहीं लगे थे सेफ्टी के उपकरण।